Hello and good morning to all of you in this video. As usual, as you know that I am Sandeep Kumar, I am your assistant teacher. आज मैं आपके लिए क्लास 6 का एक्सरसाइज 2, ठीक है, जिसका नाम है द अर्लीस्ट सोसाइटी. क्या नाम इसका है? जिसका नाम है द अर्लीस्ट सोसाइटी. ये क्लास 6 का है, एक्सरसाइज 2 का. और आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका है एसएसटी, ठीक है. सब्जेक्ट एसएसटी सब क्लास 6 का एक्सरसाइज 2 है, जिसका नाम क्या है? द अर्लीस्ट सोसाइटी. पिछले क्लास में हम लोगों ने अर्लीस्ट सोसाइटी के बारे में पढ़ा था कि स्टोन एज के बारे में, पाषाण युग में कैसे थे, कौन से पत्थर का इस्तेमाल करते थे क्योंकि नुकीले होते थे, जिससे उसको आसानी से उसे क्या करते थे, किसी चीजों को शिकार करने के लिए आसानी होती थी. तो आज उसी से बढ़ते हुए हम लोग क्या पढ़ते हैं, द डिस्कवरी ऑफ फायर, मतलब आग की खोज कैसे हुई, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ फायर. तो चलते हैं चैप्टर की ओर. एबिलिटी टू मेक फायर वाज द मेजर डिस्कवरी इन अर्ली ह्यूमन्स लाइफ. फायर चेंज हिज लाइफ ग्रेजुअली, ही लर्न्ड यूजेज ऑफ फायर. फायर प्रोवाइडेड हिम विद लाइट एंड वार्मथ. अर्ली ह्यूमन्स केप्ट फायर बर्निंग एट द एंट्रेंस ऑफ गेट केव्स टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स. नो डाउट फायर वाज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वंडर फॉर द प्रिमिटिव मैन एंड बिगन टू वर्शिप इट. कहने अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि आग की खोज. कहता है कि एबिलिटी टू मेक फायर वाज द मेजर डिस्कवरी, मतलब अर्ली जो प्रारंभिक जो आपका मानव था उसके जीवन में जो आग का खोज हुआ, एक बहुत बड़ा क्या था, डिस्कवरी था, जिसने क्या किया, फायर चेंज हिज लाइफ, मतलब आग ने क्या किया, जिंदगी को, लाइफ को, लाइफ सिस्टम को पूरी तरीके से क्या कर दिया, बदल दिया. ग्रेजुअली धीरे धीरे ही लर्न डेज, जब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, आग का उपयोग करना शुरू कर दिया. फायर प्रोवाइडेड विद लाइट एंड वार्म, आग से क्या हमें उससे प्राप्त होने लगा, प्राचीन लोगों को रोशनी प्राप्त होने लगा, गर्मी प्राप्त होने लगा. और साथ ही साथ जो प्राचीन जो पुराने समय के जो लोग थे, तो क्या करने लगे ना, उन्होंने क्या किया, आग का इस्तेमाल करने लगे. क्या गुफाओं के प्रवेश के एंट्रेंस, जब जहां पर आगमन होता था वहां पर क्या करना, वहां पर इसका इस्तेमाल करने लगे. एंड ठीक है, एंड केयर टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स, साथ ही साथ उसका इस्तेमाल अब जानवरों को, जंगली जानवरों को भगाने के लिए भी करने लगे. नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं है कि फायर क्या था, एक बहुत ही आश्चर्यजनक आविष्कार था, जिससे क्या हुआ, प्राचीन जो मानव थे, प्रिमिटिव मैन जो थे, उससे साथ ही साथ क्या करने लगे, उसकी पूजा करने लगे, क्योंकि उसमें उसका ज्ञान नहीं था, ठीक है, इसलिए उसको क्या करने लगे, पूजा करने लगे. लेकिन यह सच है कि प्रिमिटिव मैन के लिए आग, प्रिमिटिव मैन को लाइफ को चेंज करने के लिए, लाइफ सिस्टम को चेंज करने के लिए आग ने बहुत बड़ा मेजर रोल अदा करने शुरू कर दिया. अब पढ़ते हैं लाइफ स्टाइल एंड हैबिटेशन, जीवन पद्धति और निवास कैसा उसका. द पैलोलिथिक मैन डिड नॉट नो अबाउट एग्रीकल्चर, ठीक है, कहने का मतलब है जो पूरा प्रसंग के जो लोग जो थे, वो नहीं जानते थे क्या खेती के बारे में. लेड ए सेवेज लाइफ, वो एक मतलब असभ्य जीवन व्यतीत करते थे, यूजिंग स्टोन वीपन्स फॉर हंटिंग एनिमल्स, क्या करने के लिए, साथ ही साथ क्या करने लगे थे, पत्थर का इस्तेमाल करते थे किसके लिए, हथियारों को, मतलब जानवरों को शिकार करने के लिए. ही गैदर्ड डिवर प्लांट ऑफ प्लेसियन रूट्स ऑफ सम प्लांट्स ऑफ द फूड, कहने का मतलब है कि वो खाने वाले पौधों को, गुदेदार जो जमीन के नीचे से जो मिलता था मूल जड़, उसको क्या करते थे, पौधों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे. ही कवर्ड हिज बॉडी विद लीव्स और बार्क्स ऑफ द ट्रीज और द स्किन ऑफ द एनिमल्स ही हंटेड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम बैड क्लाइमेट. सिंस पैलियोलिथिक मैन हैड टू डिपेंड ऑन स्टोन्स फॉर टूल्स एंड वेपन्स, दे हैड टू सेटल इन द डेली रिवर वैली. कारण उन्होंने क्या किया कि आपको पेड़ के जो छालों जो थे, पत्तियां का इस्तेमाल किसके करने करने लगा, अपने शरीर को ढकने के लिए करने लगा. साथ ही साथ क्या जो जलवायु जो था, जो बैड क्लाइमेट होता था, जो उसका क्या करने, उससे भी बचाने के लिए, उससे बचाव के लिए क्या करने लगा, उसका इस्तेमाल करने लगा. चूंकि पूरा पसंद के जो लोग थे क्या करते थे, वो करते थे क्या, टूल्स और औजार और वीपन्स का जो उपयोग पत्थर के रूप में करते थे. दे हैड टू सेटल इन द हिली रिवर वैली, उन्हों को कहां पर अपना निवास ठहराव करना पड़ा, सेटल करना पड़ा, कहां, पहाड़ी जो जो आपको जो घाटी, जो घाटी नदी घाटी था वहां पर रहने लगा. देयर एविडेंस टू मेक अस बिलीव दैट फॉसिल्स वर फाउंड इन इंडियन ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड, ऐसा सबूत भी मिला है कि क्या जो पूरा पाषाण काल में लोग क्या करते थे, ऑस्ट्रिच जो थे, शुतुरमुर्ग थे, वो क्या पाए जाते थे, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूज एक्स सेल्स वे फाउंड इन पटना, साथ ही साथ ये बहुत बड़े जो अंडा उनका कवच होता था, सेल्स होता था, वो पटना में पाया गया है. कहां, बिहार एंड महाराष्ट्र.
There were designed in graph and some pieces and some dates also made out of this silk. There were designed in graph or some pieces and some bits were also made of the silk. मतलब कुछ कुछ ऐसे भी प्रकृति जो डिजाइन जो था कृति में मिला है जिससे उनको उसके अस्तित्व के बारे में हम लोग को प्राप्त हुआ है. Moving from one place to another, the hundred gathered of the old stain was moved from one place to another in search of food and shelter. Once all edible plants and fruits of the area were consumed, he would move to some other place till the trees were again laden with fruits in the next season. कहने का मतलब है कि शुरुआत में जो हंट क्या करते थे, ओल्ड स्टोन के लोग करते थे क्या, हंटेड गैदर फ्रॉम वन इन सर्च ऑफ फूड, वो क्या करते थे ना, वो अपने भोजन की तलाश में क्या करते थे, आश्रय की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते थे. और एक बार जहां पर खाने वाला पौधा जो पौधा या फल फूल ये सब मिलता था उसको ग्रहण करने लगता था तो वो दूसरे जगह चले जाते थे. कब तक चले जाते थे, जब तक जहां पर वो पुनः वहां पर नेक्स्ट सीजन में वो चीज पुनः क्या हो जाए, फल फूल न जाए. Hunting fruits are the animal to move in different places so the primitive man would go to another habitat chasing the animals. कहता है hunting खोज शिकार ने क्या किया, शिकार ने animals को क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करने पर जब मजबूर कर दिया. So the primitive man go to the another habitat chasing the animals. इसी के दौरान क्या हुआ था, जो primitive जो man था प्राचीन मानव से निवास के लिए क्या करने लगे, जानवरों का पीछा करने में, एक जगह से वही जगह दूसरी जगह स्थानांतरित हो. The Paleolithic man had to move in search of water to assume the water in the existing world. जैसे ही साथ ही साथ पूरा पाषाण काल के जो लोग होते हैं वो पानी की तलाश में भी जाने लगे, क्योंकि जो ही जिस जगह पर वो मौजूद होते उस समय वहां पर पानी का जो अस्तित्व होता था वो सूख जाता था, तो दूसरी जगह पानी की तलाश में भी जाते थे. The Stonehenge is Europe's most famous prehistoric building. It is at least 5,000 years old and consists of our concrete rings of stone. It is a mystery how much heavy stones were put in there. Some historians believe that it was made in the reverse proportion. कहता है कि स्टोन है जो था यूरोप का सबसे बड़ा बिल्डिंग था, ये कम से कम 5,000 साल पुराना था और ये क्या होता है रिंग के मतलब कंक्रीट के क्या गुच्छे के उसके मतलब छल्ले के टाइप के वो क्या होता है पत्थरों का बना हुआ था. यह अभी भी रहस्य है कि यह पत्थर वहां पर कैसे रखेगा. ठीक है, कुछ लोग को तो ये भी माना कुछ लोगों का तो ये भी माना है कि रिचुअल पर्पस के लिए क्या किया जाता है उसको बनाया गया. लिविंग इन ग्रुप्स पैलोलिथिक मैन वाज अफ्रेड ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग एज ही डिड नॉट अंडरस्टैंड नेचुरल फेनोमेना. ही आल्सो फियर्स फॉर प्रोड्यूस एनिमल्स लाइक टाइगर्स लायन चीतन इत्यादि. लिविंग इन ग्रुप्स मेड लाइफ इजी फॉर द पैलोलिथिक मैन इनेबल्ड हिम टू हंट लार्ज एनिमल्स एंड शेयर द फूड. कहता है कि शुरुआत में जो पूरा पसंद के लोग होते वो क्या करते थे ठंडा से ठंडा से और साथ ही साथ बिजली की कड़कड़ाहट से क्या करते थे भयभीत होते थे. वो नहीं जानते थे कि यह प्राकृतिक क्या है घटना है. साथ ही साथ जानवरों से भी डरते थे, जैसे कौन से जानवर से, शेर से, बाघ से, चीता, ये सबसे डरते थे. और उनको लिविंग इन ग्रुप से मतलब समूह में रहने से उनसे फायदा क्या हुआ, उनका जीवन बढ़िया हुआ. क्या हुआ उनको, ये हुआ उन्होंने इनेबल्ड हिम टू हंट, उन्होंने अधिक मात्रा में क्या करने लगा, अधिक मात्रा में जानवरों को शिकार करने लगे. शेयर द फूड और एक दूसरे को क्या करते थे भोजन को क्या करते थे बांट कर खा करते थे. प्रीहिस्टोरिक आर्ट ए लॉट ऑफ रॉक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड इन द केव्स एंड रॉक शेल्टर्स ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड. दिस पेंटिंग्स एंड गैब्स एग्जिस्ट एनिमल्स बर्ड्स बीन्स हंटिंग सीन्स एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइन. कहता है कि बहुत सारे जो रेव चट्टानी जो पेंटिंग चित्रकला है वो कहाँ पाए गुफाओं में और पाए गए हैं किसके पूरा पसंद पीरियड में. ये क्या करते थे एग्जिबिट एनिमल्स बर्ड्स, इसमें क्या करते थे स्केचिंग एंड इसमें उत्कीर्त होता था मतलब नकाशी किया जाता था बर्ड्स का ह्यूमन का हंटिंग से ज्योमेट्रिकल डिजाइन मतलब ज्यामिति आकृति को दिखाया गया. रॉक पेंटिंग्स पेंटिंग्स आर द परहैप्स द वे अर्ली ह्यूमंस एक्सप्रेस देमसेल्फ. शायद पेंटिंग जो रॉक पेंटिंग्स होता था जो चट्टानों पर पेंटिंग बनाया जाता था शायद उस समय के पेंटिंग वाला जो परहैप्स सबसे बड़ा चित्रकारी जो होता था वो सबसे बढ़िया बेस्ट वे होता था कि अपने इंसान क्या करता था जो प्रारंभिक जो मानव था वो अपने आप के बातों को एक्सप्रेस करता था मतलब व्यक्त करता था अभिव्यक्ति करता था जो कहना चाहता था. मेनी पेंटिंग्स एंड ग्राविंग ऑफ हिस्टोरिक एंड मेसोलिथिक पीपल फाउंड इन रॉक्स सेल्फ एंड गिव्स एन आइडिया अबाउट द सोशल लाइफ एंड कम्युनिटीज पीपल. बहुत सारे जो पैलियोलिथिकल जो मैन जो थे पैलियोलिथिकल पूरा पाषाण के लोग क्या करते थे वो और इसके मेसोलिथिक जो होते थे नौ पाषाण में क्या करते थे वो उसमें रॉक सेल्टर चट्टानों में क्या करते थे जो चित्रकारी होता था वो बताता था क्या उनके सामाजिक जीवन को और आर्थिक उनको एक्टिविटीज को किस समय के प्रिमिटिव मैन के. साइट लैक्स भीमबेटका आजमगढ़ प्रतापगढ़ मिर्जापुर रिच इन नेचुरल एंड पेंटिंग एंड फोकस ऑन हंटिंग फूड गैदरिंग फिशिंग एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटी. कहता है कि साइट्स भीमबेटका आजमगढ़ प्रतापगढ़ ये सब क्या थे मेसोपोटामिक आर्ट में क्या थे बहुत ही क्या थे निपुण थे.
साथ ही साथ वो सब क्या करते थे, फोकस ऑन हंटिंग फूड, मतलब वो लोग क्या करते थे, किस पर करते थे ध्यान, वो सब करते थे शिकार पे, भोजन को इकट्ठा करने पर, मछली पालन कर, मछली को पकड़ने में, अदर ह्यूमन एक्टिविटी, साथ ही साथ दूसरे जो मानव जो एक्टिविटी उसको ध्यान देते थे। पैलोलिथिकल एज इन डेक्कन, माने पूरा पाषाण काल का क्या हो डेक्कन में। रिमेन्स ऑफ द पैलोलिथिकल एज हैव बीन फाउंड एट मेनी प्लेसेस इन द डेक्कन एरिया सच एज पुणे, नासिक एंड चिक्की नेवेसा इन महाराष्ट्र, किंगसिंग कर्नाटक एंड कुर्नूल इन आंध्र प्रदेश। द फाइंडिंग सजेस्ट दैट द रीजन वाज लाइकली forested area for heavier than 2 years. Many factory sites found near the river banks and blocks of stones suggest that the production of tools was done in the bulk. कहता है कि बहुत सारे जो आप पूरा पाषाण के अवशेष थे उस समय क्या कह रहे थे, बहुत दक्कन के क्षेत्र में बहुत सारी जगहों पर पाया गया है, जैसे पुणे, नासिक, चिक्की नेवेसा महाराष्ट्र में, किंगसिंग कर्नाटक, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। तो फाइंडिंग सजेस्ट, उसका जो खोज जो शपथ लाता है कि क्या था, जो प्रदेश था वो क्या था, घना था, और वहां पर क्या करता था, आज किससे ज्यादा क्या करता था, वहां पर बारिश होती थी। मेनी फैक्ट्री साइट फाउंड नियर द रिवर बैंक, बहुत सारे जो फैक्ट्री होते थे वो कहाँ पाए जाते थे, नदियों और किनारे पाए जाते थे। प्रोडक्शन ऑफ टूल्स वाज डन इन बल्क, और साथ ही साथ बताता था कि औजारों का उत्पादन वहां पर क्या होता था, मतलब डन इन बल्क, मतलब थोक मात्रा, मतलब बहुत मात्रा में होता था। रिमेन्स ऑफ बोन्स, हॉर्न्स एंड टस्क ऑफ एनिमल लाइक एलिफेंट एंड वाइल्ड हॉर्स फाउंड ऑन दिस साइट्स वर इविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट एनिमल्स वर हंटेड बाय द हेल्प ऑफ टूल्स, इवन दो द वुडन बैंडल्स ऑफ सम टूल्स टेकन विद टाइम द ग्रुप प्रेजेंट इन एक्सरसाइज दे हैड बीन फिक्स्ड ऑन देम। कहता है रिमेन्स ऑफ बोन, हड्डियों के अवशेष सिंग और जानवरों के रूप में, जैसे हाथी या आपका जंगली बैल, ये सबका भी इस साइट पर, इस जगह पर पाए जाते हैं, और साथ ही साथ ये सत्यापित करते हैं कि क्या इस सबका शिकार जो होता था किसके सहायता से होता था, औजार की सहायता होता, साथ ही साथ वुडन हैंडल ऑफ द सॉफ्ट टूल्स, साथ ही साथ हाथों से बनाया हुआ क्या होता था, एक कुल्हाड़ी जो सजेस्ट करता था हम लोग क्या, जो इस पर क्या करता, फिक्स किया रहता था, जो आज के प्रेजेंट में, जो आज के वर्तमान में हम लोग कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते थे उस समय वहां पर मौजूद होता। हुसैन बैचाल खाली, हुसैन बैचाल बैचाल गुरुबाबा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक, हुसैबाद स्टोन एज फैक्ट्री साइट वेयर प्रीहिस्टोरिक ह्यूमंस मेड टूल। कहता हुसी एंड बैचाल खालिज क्या था, गुलबर्गा कर्नाटक, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उस समय हुसी क्या था, स्टोन एज का फैक्ट्री में क्या था स्थापित था, जो प्रागैतिहासिक मानव के औजारों के बारे में हमें क्या करता था बताता था। द फाइंडिंग सजेस्ट दैट ड्यूरिंग द ड्राई सीजन पीपल कंपेयर नियर द स्प्रिंग्स और इवन हंटेड लार्ज एनिमल टाइप कैम टू ड्रिंक। कहता था कि जब ड्राई सीजन होता था उसमें लोग क्या करते थे, नदियों के किनारे जाकर क्या करते थे, वहां पर जो जानवर पानी पीने आते थे वहां उसका शिकार करता था करते थे। ड्यूरिंग द रेन्स पीपुल टूक शेल्टर इन फॉरेस्ट, कहता है कि वर्षा के दिनों पीपुल टूक शेल्टर इन फॉरेस्ट, लोग क्या करते थे जंगलों में आश्रय लेते थे। डिपेंड ऑन फ्रूट्स एंड डेवल प्लांट्स एंड ह्यूमन ऑल एंड समर टूल्स फाइंड एट द साइट वेयर हैंड एक्सेस लेबर सिस्टम। कहता है वो लोग किन पर निर्भर करते थे, फलों पर, खाने वाले पौधे पर, साथ ही साथ जानवरों को शिकार करने पर, साथ ही साथ समर टूल्स है वहां पर कुछ औजार भी पाए गए हैं जो क्या थे हैंड एक्सेस थे, मान हाथों से चाकुओं को ये सब क्या थे नुकीलदार ये सब चीजें कुल्हाड़ियां ये सब मौजूद हुआ करते थे। मोर रिसेंट एग्जीबिशन हुसी वैली वर फोकस्ड ऑन इस्लामपुर क्वेरी, क्या कहता है द साइट हैज बीन गेटेड बिटमिन, बहुत सारे जो क्या क्या उत्कीर्ण जो मतलब उत्खनन जो प्राप्त किया घाटियों में क्या करता है पाया गया है, वो क्या था उनका निर्धारित जो गेट था बिटवीन 5 लाख टू 10 लाख 5 लाख टू 2 लाख एंड हैज एज 15,000 स्टोन टूल्स, वहां पर इतना 15,000 स्टोन टूल्स को क्या कहता है बहुत सारे वहां पर पाए गए। इट हैज ऑल्सो रिवील्ड दैट एग्जैक्ट फैक्ट्री साइट वेयर द ब्लड कमन सेफ्टी टूल, इट ऑल्सो रिवील्ड दैट एग्जैक्ट फैक्ट्री, मतलब ये भी बताया गया कि क्या एग्जैक्ट फैक्ट्री साइट वेयर द ब्लड कमन सेफ्टी टूल, की वहां पर क्या करता था पूरा पसंद के लोगों ने क्या किया उसके औजारों को क्या किया सही क्या किया एक आकार दिया एक रूप दिया। ओल्ड स्कैन वाज द परहैप्स द एंड ऑफ आइस एज, शायद ओल्ड स्कैन एज जो था वो आइस एज का जो क्या था वो समाप्ति का था एक क्या था एक तो शायद समाप्ति का एक पीरियड था। एज ए रिजल्ट ऑफ फार्मिंग क्लाइमेट वेजिटेशन फ्लोरिशिंग फास्ट वैरायटी ऑफ बर्ड्स एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स कुड बी ऑब्जर्व, कहता है कि रिजल्ट ऑफ वार्मिंग क्लाइमेट, जैसे ही जलवायु जब आइस बर्ड जब ठंडा प्रदेश जो खत्म हुआ जब गर्म आने लगा तो क्या हुआ वेजिटेशन फॉरेस्ट हेल्थ क्लाइमेट जलवायु खेती ये सब क्या हुआ उसमें बहुत सारे पक्षी जानवरों और क्या हुआ कीड़े मकोड़ों क्या हुआ ऑब्जर्व हुआ मतलब उनका विकास हुआ। तो वार्मर वेदर प्रोमोटेड अगेंस्ट फॉरेस्ट ग्रोथ, जो वार्मर जो गर्म जो मौसम जो था प्रोमोटेड घने जंगलों क्या किया को प्रोमोट किया बढ़ावा दिया। इवन द एरिया बीच पे अर्ली ड्राई बिकम ओपन ग्रासलैंड, यहां तक कि जो क्षेत्र बहुत पहले क्या थे अर्ली ड्राई थे
क्या ही हो गए थे, सूख गए थे सब, क्या हुआ कैम ओपन ग्लास टाइम, कहने का मतलब हरियाली हो गए। अब है आपको मिडिल स्टोन एज, मतलब मध्य पाषाण काल। द टर्म मेसोलिथिक डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड मेसो मीन्स मिडिल एंड लिथोस मीनिंग स्टोन, कहने मतलब मेसोलिथिक दो वर्ड से आपको डिराइव है, उसका अंकन किया गया है। फर्स्ट वर्ड आपका मेसो जिसका मतलब मिडिल होता है, दूसरा है लिथो जिसका मतलब होता है स्टोन, ठीक है। तो मेसोलिथिक एज साय राइजिंग टेम्परेचर सो द क्लाइमेट विद मुबाब मिला। मेसोलिथिक एज का मतलब क्या होता है, राइजिंग टेम्परेचर मतलब तापमान में क्या बढ़ोतरी, सो द क्लाइमेट बिकम वार्म, जिसने क्या क्या होगा क्लाइमेट क्या होगा वो गर्म हो गया और आपका शुष्क हो गया। द अफेक्टेड ह्यूमस क्लाइमेट, दिस अफेक्टेड ह्यूमस क्लाइमेट ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस इन द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द सराउंडिंग एरिया, कहने का मतलब कि यह जो है मानव जीवन को बहुत सारे क्या क्या कारकों को प्रभावित किया, साथ ही सब वनस्पति पेड़ पौधे वनस्पतियों में क्या हुआ अपने चारों के क्षेत्र में क्या किया वो बहुत उसको चेंज बदलाव लाया। ऑल्दो द मेसोलिथिक मैन कंटिन्यू टू हंट एनिमल्स एंड गैदर फूड, चूंकि जो मिडिल स्टोन एज के लोग जो थे कंटिन्यू टू हंट जानवरों का शिकार करना जारी रखे एंड गैदर फूड, और उन्होंने भोजन को क्या क्या इकट्ठा किया, ही शिफ्टेड हिज अटेंशन टू फिशिंग एंड हंटिंग वाज टू, साथ ही साथ उन्होंने और किस चीज पर ध्यान दिया, उन्होंने मछली पकड़ने पर ध्यान दिया और क्या जंगली पक्षियों को भी पकड़ने पर ध्यान दिया। द यूज ऑफ एनिमल स्पॉन्स एट टू जगह ऑन स्टोन्स वाल एंड अदर चेंज इन द लाइफ्स ऑफ मैन जैट किशन इन द पैथोलॉजी के एस फ्रॉम द मेसोलिथिक, कहता है कि द यूज ऑफ एनिमल बॉन्स, साथ ही साथ जो जानवरों को जो हड्डियां और के औजार के रूप में पत्थरों के साथ वो क्या हुआ मानव जीवन को क्या हुआ उसमें परिवर्तन का एक बहुत बड़ा क्या हुआ कारण हुआ, कहा पैथोलॉजी के फॉर्म में मेसोलिथिक है कहते पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण के बीच में क्या हुआ परिवर्तन हुआ, क्योंकि उस समय तो पहले उस समय क्या करते थे आपको पत्थरों का करते थे लेकिन साथ ही साथ आप क्या करना हड्डियों का भी क्या करने लगे इस्तेमाल करने लगे। द बिगनिंग ऑफ द आर्ट ऑफ मेकिंग क्ले पॉट्स वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, साथ ही साथ मिट्टियों के बर्तन को बनाने की जो कला हुई वो भी क्या था इस एज का क्या महत्वपूर्ण क्या था एक विकास था। टूल्स औजार, ऑल्दो टूल्स लार्ज हैंडेड एक्सेस एंड सिफर्ट कंटिन्यू टू बी मेन इन दिस पीरियड माइक्रोलिथिक और वेरी स्मॉल स्टोन एज द मेन टाइप्स ऑफ टूल्स हैव बीन फाउंड इन मेसोलिथिक साइट, कहता है मध्य पाषाण काल में तो बहुत सारे आपको क्या हुआ टूल्स का औजार हुआ लेकिन साथ ही साथ इस काल में छोटे छोटे औजारों का विकास हुआ और साथ ही साथ हैंड एक्सेस मतलब जो हाथों का जो आपका कुल्हाड़ी जो है वो क्या हुआ एक बहुत बड़ा क्या मेन टाइप्स समय क्या था मेन टाइप मतलब मुख्य औजार के रूप में क्या हुआ अपने आपको विकसित हुआ। दिस टूल्स वर मेड ऑफ जैस्पर चौक और ब्लड स्टोन, कहने का मतलब जैस्पर चौक के रूप में क्या करो ये औजार जो था बनाया जाता था। दिस टूल्स हैव बीन डिस्कवर्ड मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग छोटा नागपुर झारखंड एंड वन ऑफ बैंक्स ऑफ रिवर गंगा बिटवीन गाजीपुर एंड वाराणसी उत्तर प्रदेश, कहता है ये सब जो औजार है भारत के अलग अलग हिस्सों में क्या कहते हैं पाए गए इंक्लूडिंग किसके साथ ही छोटा नागपुर जो झारखंड में पड़ता था एंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा और साथ ही साथ जो गंगा नदी के किनारे भी प्राप्त हुआ है जो कहां पड़ता है गाजीपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश गाजीपुर वाराणसी का उत्तर प्रदेश। कीप एंड रॉक पेंटिंग्स, अब गुफा और क्या चट्टानी चित्रकारी, रेड एंड व्हाइट कलर्स आर मेनली यूज फॉर द पेंटिंग्स ऑफ दिस एज, उस समय के जो एक काल में जो क्या था दो प्रकार के रंग का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था लाल और उजला। दीज कलर्स वेयर मेड फ्रॉम रॉक्स एंड अदर नेचुरल सब्सटेंस, ये सब जो कलर होते थे वो बनाए जाते थे क्या मेड फ्रॉम बनाए जाते चट्टानों से एंड अदर नेचुरल प्राकृतिक क्या कहते हैं सब्सटेंस पदार्थ से। एज ऑब्जर्व इन दिस प्रीवियस एज पेंटिंग दिस पेंटिंग आर ऑल्सो शो द वेरियस मेथोडिस्टिक मैन, कहता है एज ऑब्जर्व इन द प्रीवियस एज, जैसा कि हम लोग पिछले प्रीवियस एज में आपको ऑब्जर्व किए पेंटिंग्स इसके चित्रकारी को, दिस पेंटिंग ऑल्सो शो द वेरियस मतलब कहने का मतलब है कि ये मध्य आपको पाषाण काल के जो लोग होते हैं उसमें क्या था किसी अलग अलग विविधताओं को भी क्या करता है चित्रकारी की विविधता को भी क्या करता है टाइप्स को भी दिखलाता है दर्शाता है। अब आपका नेक्स्ट हुआ था बीरियल्स, माने वहां उस समय के मृत्यु जो होता था उस समय जिसको अंत्येष्टि करते थे मरने के बाद समाधि या दफन उसके बारे में आपको पढ़ना है। एट सम मेसोलिथिक साइट रिमेन्स ऑफ बीरियल प्लेसेस हैव बीन फाउंड, बहुत सारा जो मेसोलिथिक साइट का पसंद जगह जो है रिमेन्स ऑफ बीरियल प्लेसेस हैव बीन फाउंड, वहां पर दफन या समाधि के जगह पाए गए हैं। द डेड वेयर ब्यूरिड अलोंग दिस ऑफिंग लाइक फूड एंड ऑर्नामेंट, जो मृत जो लोग होते थे अपने साथ क्या किसके साथ उसको पाए जाते थे भोजन और उनके जो गहना था उनके साथ उनको क्या किया जाता था उनको दफन किया जाता था। टू वॉच द एंड ऑफ मेथोलॉजी के मैन लर्न टू ग्रो को, कहने का साथ में जब मत्स्य पदार्थ के जब अंत के समाप्ति के दौर में मनुष्य ने क्या सीखना कर दिया फसलों को उपजाना शुरू कर दिया। मैन माइट हैव एक्सपीरियंस द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंडिंग, मानव ने भी अनुभव किया क्या खेती के पद्धति को। द जर्मिनेशन ऑफ दिस सीड्स एंड प्लांट ग्रोइंग ऑफ द मस्ट हैव बीन गिवन द आइडिया ऑफ कल्टीवेशन, कहने का मतलब है कि जो बीज के जो रूप में
हम जो खेती के रूप में बीज जो बोने की जो प्रक्रिया हुआ उसने क्या किया, खेती का एक क्या बहुत ही उपाय, बहुत ही अच्छा उपाय सोचा, जिस वक्त परहैप्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यूलिथिक एज वेयर मैन प्रैक्टिस किए, शायद ये वो समय था जब ने क्या किया नौपाषाण के आप में क्या हुआ, ये शुरुआत थी न्यूलिथिक एज की नौपाषाण युग के, जिसमें मनुष्य ने क्या किया एग्रीकल्चर को अभ्यास करना, मान खेती करना अभ्यास करना शुरू कर दिया। ये आपका एक्सरसाइज टू था जिसका नाम था अर्लीस्ट सोसाइटी क्लासेस का सब्जेक्ट एसएसटी को जिसके बारे में पढ़ाया, और आशा करते हैं मेरा पढ़ाया हुआ आपको कुछ समझ में आया होगा, और इसको समझ में आया बार बार देखिएगा, और जहां तक नोट्स की बात रही वो आपको स्कूल मैनेजमेंट क्लास से अवेलेबल कर दिया जाएगा। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।